रीवा से बड़ी खबर ही अपने बता दी कि इस समय सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो जो है पुलिस कर्मचारी से जुड़ा बतावा जाता है। सूत्रन के मुताबिक नशा में धुत पुलिसकर्मी के द्वारा पान दुकान संचालक से पैसा का लेन देन कल के खूब विवाद भा, जिसके बाद दुकान संचालक पूरे घटनाक्रम के वीडियो बना लिहन और अब यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब चर्चा के केंद्र बना है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सवैचनिक का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपना को बताई दी के रीवा पुलिस के नित नया कारनामा देखे का मिलते रहते हैं, लड़की यह कारनामा सोशल मीडिया में देखे का मिल रहा है, सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। सूत्रन के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखाए वाले दूठे युवक पुलिस कर्मचारी बताया जा था। बता दें कि बीती रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत SAF चौराहे की यह घटना बताई जाती, जहां के पान दुकान संचालक के साथ वाद विवाद की घटना सामने आई। नशा के हालत में दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पुलिस लाइन के आरक्षक शुभम सिंह परिहार और शंकर साकेत बताया जाता इनके द्वारा खूब हंगामा किया। हालांकि अपने को बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप होगा। पुलिसकर्मी के वीडियो वायरल होते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोलकर के द्वारा बड़ी कार्रवाई सामने आई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा इनका दोनों का निलंबित करके विभागीय जांच के निर्देश दे दिए गए। हालांकि जांच के बाद सलगा मामला सामने आ पाई पर बड़ी बात यह है कि नशा में धुत पुलिस कर्मचारी के ऊपर निलंबन के गाज गिर चुकी है। बताई दी कि एक तरफ रीवा पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलावा जा रहा है तो दूसर कई खुद पुलिसकर्मी नशा में धुत हो के वाद विवाद कर रहे हैं। वायरल वीडियो से तो यह लागत है कि नशा मुक्ति अभियान चलावे के अधिक आवश्यकता पहले यहां के पुलिस विभाग में है, जेकर कर्मचारी खुलेआम नशा में धुत हो के इमेर के हरकत कर रहे हैं। कहे से कि नशा जिला से तबे खत्म हुई जब आम नागरिक के साथ साथ संबंधित विभाग खलाए पूरी ईमानदारी से काम करी। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम हो गया ठीक है ना। आदमी बात कर रहा है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हो गया ठीक है ना। आदमी बात कर रहा है नहीं।